जी अस्सलाम दोस्तों, आज मेरे पास एक 24x24 का स्केल है, चैनल में बना हुआ है, उसके ऊपर 1 टन का लोड से लगा हुआ है। उसके साथ ये T3 का इंडिकेटर है, उसमें ये फॉल्ट आ रहा है। मैं बताऊंगा कि कैसे इसको रिमूव करना है, तो कंप्लीट वीडियो देखें, आए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। ये देखें दोस्तों, सामने हमारे पास ये लोड सेल की वायर आ रही है, इसकी मैं रीडिंग चेक करूंगा और इसके कनेक्शन भी करने हैं, तो इसकी कंप्लीट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। ये ऑन तो है लेकिन अभी इसके कनेक्शन और ये वायर डैमेज है, उसके बारे में डिटेल से बात करूँगा। 2000 ओम पे रखेंगे इसको, उसके बाद फिर हम लोड सेल की रीडिंग लेते हैं। 1 टन का लोड सेल लगा हुआ है, ये 2000 ओम पे रख के उसके बाद ये देखें दोस्तों, इसमें हम रेड और ब्लैक को देखते हैं कौन सी रीडिंग आ रही है। रेड और ब्लैक रीडिंग नहीं दे रहा, उसके बाद फिर हम ग्रीन को करेंगे, ये भी नहीं दे रहा, अब हम रेड को पकड़ेंगे, और ग्रीन के ऊपर ये 302 रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब है इन दोनों के अंदर अर्थ है, 302 रीडिंग दे रहा है, तो हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढेंगे, क्योंकि ना ब्लैक में करंट नहीं है। अब हम येलो के साथ लगाएंगे, ये 301 दे रहा है। येलो और ग्रीन के साथ लगाया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव करंट के 409 बता रहा है, लेकिन अभी रेड को लगाएंगे, ये रीडिंग तो दे रहा है, कनेक्शन तो आ चुका है, लेकिन ब्लैक में करंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ब्लैक तार डैमेज है। तो हम ब्लैक तार की जहाँ पे डैमेज है वहाँ से रिमूव करके नई वायर लगाएंगे। तो ये अभी मैं पीछे से कनेक्शन जो लगे हुए हैं ना इस वायर के, वहाँ से जोड़ खोलूँगा, तो वहाँ पे रीडिंग चेक करूँगा कि लोड सेल की रीडिंग आ रही है या वायर का मसला है। हमने फॉल्ट ये ट्रेस कर रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि लोड सेल का मसला है या वायर का मसला है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद। दोस्तों ये देखें, ब्लैक तार की ये लोड सेल की है, ये इधर से जोड़ किया हुआ है और ये लंबी तार बनाई हुई है ताकि वो दूर से कस्टमर अपना वो देख सके, इंडिकेटर रख के। तो यहाँ से मैं काटूँगा और यहाँ से भी, तो ताकि मैं लोड सेल की रीडिंग ले सकूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और रीडिंग चेक करूँगा। हज़ार डबल थोड़ा कहीं कहो अच्छा मोबाइल रखी मैं कह रहा है साफ पाऊँ कह रही सुन चल दे पाइए यार क्या चल रही है। जी यहाँ से
मैंने बाइंडिंग टेप रिमूव कर दी है, तो मैं लोड सेल की रीडिंग लूँगा। तो यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद इसको हम छोड़ने कटर की मदद से निकालेंगे कि कौन से रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही, उसके बारे में मालूम करेंगे। ये अभी मैं इसकी रीडिंग लूँगा, रेजिस्टेंस 2000 पे रखी हुई है, इसकी मैं रीडिंग लूँगा। ब्लैक एंड वाइट की पहले ले लेते हैं, ये देखें ब्लैक एंड वाइट की 348 आ चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये तार ठीक है, वो वाली तार डैमेज थी, ये वाली तार जो ये लगी हुई थी ये डैमेज थी। उसके बाद हम देंगे ग्रीन एंड वाइट, ये 406 आ गई। इसका मतलब है कि हमारे पास लोड सेल ठीक है, 406 ग्रीन एंड वाइट की आ गई, और 349 ये हमारे पास सिग्नल के आ गए, ये रीडिंग आ गई। उम्मीद है कि इसी तरह की वीडियो और भी बनाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। अब मैं इसको वायर को एक्स्ट्रा लंबा करने के लिए और वायर नहीं लगाऊंगा, ये तार रिमूव कर दूंगा, ये वाली तार रिमूव कर दूंगा, और फिर उसके बाद फिर मैंने इसे कनेक्शन करने हैं। उम्मीद है कि पसंद आएगी। हेलो, ठीक है, बस।